स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। 2014 में मौर्य ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बगल में उनके विजुअल्स भी दिखाएं। पहले कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मनीष हमारे साथ है। मनीष यादव, मनीष बताइए क्या जानकारी है। जी निशांत, मनीष बताइए क्या जानकारी है। मनीष तक हमारे पास आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ ब्रिजेश जी मौजूद है। ब्रिजेश जी, ये जो डेवलपमेंट है अभी इस वक्त, ये जो एक वारंट निकला है, इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये कोर्ट ने किया है, लेकिन यही होगा कि देखो कल छोड़ा उन्होंने आवाज, ही वारंट निकल गया, ये बाकायदे यही मैसेज जाएगा कि कल ही वो अलग हुए बीजेपी से, आज ये वारंट जारी हो गया। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, इनके साथ कुछ और लोग भी गए हैं, और वास्तव में जो बसपा से जो लोग आए थे, जो लोग भी बसपा भी इनके साथ आए थे, चाहे ब्रजेश प्रजापति हो या अन्य लोग, तो वो सारे लोग इस समय अपनी नई तलाश कर रहे हैं, अपनी नई जगह की तलाश कर रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि क्या उनको पूरी जगह दिला पाते या नहीं दिला पाते, क्योंकि ये 60-70 लोग ऐसे होंगे जो इधर से उधर होंगे। करीब एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी और पार्टियां अपने ऊपर ले रही हैं? ये असली बात अब आपने बताई है। वास्तव में बीजेपी क्या कर रही है, सीट दर सीट वो आकलन कर रही है। जैसे मैं एक दो उदाहरण बता रहा हूं, बिल्हौर से जो उनके साथ गए हैं वो भी बसपा में थे, विधायक हैं, और ब्रजेश प्रजापति जो है तिंदवारी से। अब तिंदवारी में एक कांग्रेस और एक बार निर्दलीय रूप से जीते जो नेता है, उनको बीजेपी में एंट्री दी है, और क्योंकि उनका आधार बहुत ज्यादा है, और बीजेपी ने उन लोगों की सूची तैयार की है जिनके बारे में एक ये हो गया है कि ये लोग आए ही नहीं, कोरोना काल में निकले ही नहीं, और बाकायदे खनन वनन के मामले में काफी बदनाम हो गए। तो कुछ लोग तो टिकट पाएंगे जिनका चूंकि अपना आधार बना रखा है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधार भी नहीं है, उनको बीजेपी अलग करना चाहती थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।